वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ भारत दुर्दशा नाटक, जो कि एक प्रहसन है, एक हास्य नाटक है। तो पहले हम लेखक का परिचय ले लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1856 को इनका जन्म हुआ और 6 जनवरी 1885 को इनका देहांत हुआ था। काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी गोपाल चंद एक अच्छे कवि हुआ करते थे और गिरिधर दास उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। उस समय में आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और इनका मूल नाम जो था वो हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनको उपाधि मिली थी बेटा। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ जो माना जाता है, शुरुआत मानी जाती है आधुनिक काल की, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाती है। हिंदी के साहित्य का आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में इन्हें एक तरह से माना जाता है, जिन्होंने देश की गरीबी, गुलामी, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण किया अपने साहित्य में, और इससे बचने के उपाय भी बताए साथ साथ हर जगह। इनका जो एक निबंध था मैंने पढ़ा था, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो, मुझे याद आ रहा है। उसमें इन्होंने जितनी समस्याओं को बताया था और उनके जो उपाय बताए थे वो आज भी प्रासंगिक है। वही आबादी कम कीजिए, शिक्षा बढ़ाइए, बाल विवाह मत कीजिए, बच्चों को मजबूत होने दीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, नशा मत कीजिए, जो बातें इन्होंने उस टाइम पर 1895-95 में कही थी अपने निबंध में, भाषण था लिटरली वो, वही सारी की सारी बातें आज भी प्रासंगिक हैं कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। तो उसी समय से बेटा ये दूरदृष्टा थे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इन्हें हिंदी के आधुनिक साहित्य का प्रणेता माना जाता है, इन्हीं से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में इन्होंने अपनी प्रतिभा का काफी उपयोग किया। इन्होंने हिंदी को एक तरीके से और गौरवमयी बनाया, बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी हुआ करते थे। हिंदी की पत्रकारिता इन्होंने की, इनका अपना समाचार पत्र उस टाइम पर छपता था, 3 इनके पत्र एक्चुअली छपते थे उस टाइम पर, और नाटक और काव्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बहुमूल्य अपना योगदान दिया था। नाटकों का प्रारंभ भी बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। नाटक का निबंध का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है हिंदी में। नाटक लिखने की शुरुआत उन्होंने की थी, बंगला का एक नाटक था विद्या सुंदर, जो कि 1867 में इन्होंने इस नाटक का अनुवाद किया था, वहां से इनकी नाटक लिखने की शुरुआत मानी जाती है। और ये लिखते थे, नाटक लिखते थे, कविताएं लिखते थे, अनुवाद किया करते थे। इनके निबंध संग्रह भी हैं। नाटक इनके जो बहुत प्रसिद्ध रहे वो थे एक अंधेर नगरी और दूसरा था भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी चौपट राजा बेटा आपने कहीं ना कहीं कहावत जरूर सुनी होगी, और कुछ बच्चों ने हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ा भी हो। दूसरा नाटक था इनका भारत दुर्दशा। दो नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत दुर्दशा, जो कि हिंदी का एक प्रहसन नाटक है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से हरिश्चंद्र ने भारत की उस समय की स्थिति का वर्णन किया है। ये भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा का अंत करने का प्रयास करने के लोगों से आह्वान करते हैं। इस नाटक का बेटा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, वरना पूरा नाटक मेरे पास है, इसकी व्याख्या में अलग वीडियो में करूंगी। इसमें मैं इसका आपको मूल तत्व, इसकी समीक्षा, तत्विक समीक्षा और मूल संवेदना, ये सब चीजें इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, ठीक है ना बेटा। तो साथ ही इन्होंने नाटक अपनी उस समय की जो समस्याएं थी उनको उजागर करता है, उनके समाधान बताता है। इसमें प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली जो एक तरह से लक्ष्यहीन पतन की ओर जो हमारा भारत जा रहा था उसका वर्णन किया है, किस तरीके से हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताई थी संकेतों के माध्यम से। ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते थे। कुरीतियां जो थी भारत में, रोग था, बीमारियां फैली हुई थी, लोगों में आलस फैला हुआ था, लोग नशा कर रहे थे, लोगों को उजाले की तरफ चलो जैसे कि बुद्ध कहते हैं वो चीज नहीं थी। धर्म कोई तरीके से धर्म को समझ नहीं पा रहे थे, धर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास को मान रहे थे, संतोष करके बैठ गए थे, उन्हें कोई और आगे उनकी कोई जरूरतें नहीं थी, और संतोष करके अपना आराम से रोटी मिल रही थी उसी में खुश थे। अपव्यय जो पैसा मिल रहा था उसको ऐसी चीजों में खर्च कर रहे थे जो कि, जिनके पास पैसा था वो पैसे को ऐसी चीजों में खर्च कर रहे थे जो कि वाकई में जरूरत नहीं थी, बिना वजह फिजूल खर्च कर रहे थे, जैसे शराब पी रहे हैं, उल्टे सीधे कपड़े खरीद रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, है ना, नशा कर रहे हैं।
तो इन सब चीजों में खर्चा कर रहे थे। सिफारिश लगाने की आदत लग चुकी थी, मेरी सिफारिश लगा देना, जो आजकल कहते हैं मेरी जैक लगा देना, है ना। लोभ बहुत बढ़ चुका था, लोग डरे हुए थे, लोग डरपोक हो गए थे, स्वार्थी हो गए थे। साथ में कहीं बाढ़ आ रही थी, कहीं सूखा पड़ रहा था, कहीं अकाल पड़ रहा था, तो इन सब चीजों को भी वो भारत की दुर्दशा का कारण मान रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही था कि अंग्रेज जो भारत को नोच नोच कर खा रहे थे, अंग्रेज जो भारत को लूट रहे थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया, कानून व्यवस्था के लिए भी काम किया, डाक, रेल, प्रिंटिंग की सुविधा का भी काम किया था, लेकिन उन्होंने काम इसी तरीके से किया था बेटा कि जिससे उनको खुद फायदा हो। उन्होंने भारत के लोगों के हिसाब से काम नहीं किया था। ऐसे समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो भारत दुर्दशा नाटक लिखा, उसमें शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी। रोआहु सब में लिखे आवाहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाएगी, आओ सब लोग मिल करके भारत के लिए रो भारत भाई। उन्होंने भारत यहाँ पर एक मानवीकरण कर दिया है भारत का अपने नाटक में, वो भारत व्यक्ति है, तो भारत की दुर्दशा अब हमसे देखी नहीं जा रही है, और भारत दुर्दशा एक दुखांत नाटक है ना। तो नाटक को हम लोग बाद में पूरा का पूरा, मैं अगले वीडियो में व्याख्या करूंगी बेटा, इसमें आपको मैं केवल इसकी समीक्षाएं बता रही हूँ। तो डॉक्टर जयनाथ नलिन ने लिखा है कि भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान है और भविष्य निर्माण की भव्य प्रेरणा है। यानी कि चमकदार स्मृतियां हैं, यानी कि पुराना जो हमारा अतीत था, गौरव था जो हमारा, उसकी बात है इसमें। आंसुओं से भरा वर्तमान है, वर्तमान जो कि आंसुओं से भर चुका है वो है, और भविष्य की भव्य प्रेरणा है कि भविष्य में हमें क्या करना है, उसकी इंस्पिरेशन है इसमें। इसमें भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा के सरिता के रूप में उमड़ा चला आया है, आशा की किरण के रूप में झिलमिला उठा है। ये बात कही थी डॉक्टर जयनाथ नलिन ने भारत दुर्दशा को पढ़ने के बाद। तो नाटक हम पढ़ेंगे बेटा अगले वीडियो में। फिलहाल मैं इसकी समीक्षा आपको, तात्विक समीक्षा वगैरह बता देती हूँ, और इसकी व्याख्या मैं आपको पूरी की पूरी अगले वीडियो में बताऊंगी बेटा, ठीक है ना। क्योंकि वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है बेटा, उसको फिर प्रोसेसिंग में बहुत दिक्कत आती है, और आप लोग भी देखते देखते थक जाते हैं। देखिए कितना लंबा वीडियो बनेगा, वरना देखिए बहुत लंबा, अच्छा खासा लंबा एक तरीके से ये आपका जो है क्या है कि नाटक है, तो इसको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसका हम पहले कथा सार पढ़ लेते हैं। कथा सार है इसका, कथानक जो है इसका, भारत दुर्दशा में कुल 6 अंक है बेटे। पहले अंक में एक योगी लावरी गाता हुआ था, लावनी हमने पढ़ा था बेटा, मराठी गीत होते हैं, गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है। यानी कि हमारा इतिहास कितना सुंदर था, कितना गौरवमयी था, कितना प्राउड करने के लायक था, कितना ग्रेसफुल था, और आज हमारी क्या हालत हो गई है, इसका ब्यौरा देता है। वो शुरू शुरू में आते ही, शुरू में ही वो भारतीय दुर्दशा पर भारत भाइयों के रुदन का आह्वान करता है। आओ भारत भाइयों, यानी कि आओ भारतीय भाइयों, रुदन करें, क्योंकि यहाँ की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही है। नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है कि हमारा दुर्दशा है, क्योंकि नाम ही इसका भारत दुर्दशा है, वहीं से शुरुआत हो गई है। योग ये हमारे नाट्यशास्त्र का परिचित सूत्रधार ही नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारत की आत्मा की आवाज है। यानी कि केवल नाटक का ही सूत्रधार नहीं है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सारा का सारा भारत जो बात बोल रहा है उसी की बात ये जो योगी है ये कह रहा है। वो बोलता है, रोवाहु सब मिल के आवाहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, है ना। गाकर दर्शकों को भारत का दैन्य दिख, भारत की दीनहीन दशा जो हो चुकी है उसे दिखाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है कि देखिए क्या दशा हो गई है। पहले उन्होंने पहले ये बता दिया पहले अंक में, ताकि आगे हम बता पाए कि क्या क्या दुर्दशा हुई है, उनका वर्णन होगा एक एक करके। दूसरे अंक में क्या होता है, शमशान में कुत्ते कौवे और सियारों के बीच फटेहाल भारत का प्रवेश होता है। भारत को उन्होंने एक मनुष्य के रूप में दिखाया है, चारों तरफ कुत्ते हैं, कौवे हैं, सियार हैं, उनके बीच में शमशान में आया है भारत। वो अपनी रक्षा के लिए कभी ईश्वर को बुलाता है, कभी राज राजेश्वरी को बुलाता है। ईश्वर को बुलाता है राज राजेश्वरी, यानी कि क्वीन विक्टोरिया को यहाँ पर राज राजेश्वरी कहा गया है ना, उनको भी पुकारता है, लेकिन वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। ये उन्हीं पूर्वजों का भारत है जो बिना लड़े सुई की नोक के बराबर जमीन देने को भी तैयार नहीं होते थे। मतलब यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पर कौरवों की बात कही गई है कि बिना लड़े सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देते थे, उन्हीं पूर्वजों का भारत है, और आज यहाँ की जमीन पर विदेशियों ने आकर के कब्जा कर लिया है। ये दुर्बल और रणभीरु भारत, ये दुर्बल कमजोर हो गया है, ये डर से मतलब युद्ध से डरने वाला भारत बन चुका है, और नेपथ्य से यानी कि पर्दे के पीछे से भारत दुर्देव की एक भारत दुर्देव नाम से एक यहाँ पर एक करेक्टर बनाया गया है इस नाटक में, उसकी कर्कश गर्गजना सुन करके मूर्छित हो जाता है, डर करके वो उसकी आवाज़ सुन करके बेहोश हो जाता है। उसकी फतेहाली, जो फतेहाल दिखाया गया है भारत
भारत की गरीबी, उसकी मूर्छा जो है वो दिखा, उसकी भारत की गरीबी का प्रतीक है उसकी फटी हाली और उसका बेहोश हो जाना एक तरीके से, उसमें आत्मविश्वास नहीं बचा, डरने लगा है, घबराने लगा है, इस बात को उभारता है कि भारत डर करके बेहोश हो गया है यहाँ पर। आगे तीसरे अंक में भारत दोदेव जो आया था, जिसने कर्कश आवाज में, तीखी आवाज में डराया था भारत को, वो यहाँ करके सत्यानाश फौजदार को बुलाता है और अपने भारत दुर्दशा मूलक प्रयोजनों को स्पष्ट करते हैं कि हमें भारत की दुर्दशा कैसे कैसे करनी है, उसके लिए उनकी क्या योजना है उसको बताते हैं। तीसरे दृश्य में भारत दुर्देव और सत्यानाश फौजदार मिलकर के कि हम क्या क्या करेंगे। भारत दुर्देव की जो वेशभूषा है वो आधी मुसलमानी और आधी किस्तानी है, किस्तानी यानी कि एक तरीके से क्रिश्चियन वाली है। भारत की 1000 वर्षों की गुलामी को प्रत्यक्ष करने की ये बेजोड़ नाटक है, भारत जो 1000 वर्षों से गुलाम रहा है उसको दिखाने की ये नाटक की युक्ति है उनकी, क्योंकि पहले मुगलों ने गुलाम बनाया आकर के उसको दिखाया उन्होंने, और उसके बाद अंग्रेजों ने गुलाम बनाया उसको दिखाया है। इसके बाद चौथे अंक में गुलाम हीन और हत दर्प बनने के कारणों का उल्लेख है, गुलाम क्यों बने, हम हीन क्यों हो गए, हमारा आत्मविश्वास की हत दर्प मतलब हमारा दर्प हत कैसे हो गया, किस तरीके से हमारा आत्मविश्वास, हमारा गौरव कैसे खत्म हो गया, इसके कारण बताए गए हैं। कारण बताए गए हैं क्या क्या, आलस, अपव्यय यानी कि फिजूल खर्ची, रोग यानी कि बीमारियां, मदिरा यानी कि शराब, और अंधकार यानी कि निराशा, और अंधकार जिन चीजों का सिंबल होता है, प्रतीक होता है, उन सब चीजों की बात कही गई है। इन सभी को यहाँ पर बेटा करैक्टर बनाया गया, ये सब एक एक करके आते हैं मनुष्य के रूप में, हालांकि ये प्रतीक है, प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने नाटक का एक तरह से खुलासा किया है, ये विस्तार से दुर्दशा के कारणों का खुलासा करते हैं। एक एक करके ये आते हैं और बताते हैं कि इन्होंने भारत में क्या क्या किया जिससे भारत की दुर्दशा हुई। इनकी बोली वेशभूषा ऐसी है कि हास्य उत्पादक होती है, मतलब हास्य है इसमें लेकिन कहीं ना कहीं वो दुर्दशा पर व्यंग्य कर रहे हैं। इनके संवादों से भारत पर हमले के लिए की गई इनकी सारी की सारी तैयारी का पता चलता है कि आलस आगे और क्या करने वाला है, रोग और आगे क्या क्या करने वाले हैं, मदिरा आगे और क्या क्या करने वाली है, ये सारी इनकी आगे योजनाएं क्या है उसके बारे में भी पता चलता है चौथे दृश्य में। उसके बाद पांचवा दृश्य आता है, उसमें भारत दुर्देव के हमले से बचने के लिए, भारत दुर्देव का हमला होने वाला है ये पता चल गया है, पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख है, इसमें बंगाली, महाराष्ट्री, देशी, कवि, एडिटर सभी के सभी सजीव पात्र, जिसमें कोई सिंबॉलिक नहीं है, इन सबको पढ़े लिखे लोग जो थे उनको यहाँ शामिल किया गया है। बंगाली, महाराष्ट्री और एडिटर की साहसिकता और हिंदी भाषी देशी सज्जीजन और कवि की कायरता का दृश्य खड़ा किया जाता है कि हिंदी भाषी जो सज्जन है और कवि जो है वो कायर हो गए हैं, और बंगाली, महाराष्ट्री जो है वो और एडिटर जो है वो साहसी बनकर खड़े हुए हैं। तो नाटककार ने बंगाली नवजागरण, मराठी नवजागरण की तुलना हिंदी नवजागरण के पिछड़ेपन को उभारा है, हिंदी का जो नवजागरण है वो पिछड़ा हुआ है, उसके मुकाबले बंगाल में नवजागरण आ चुका था, मराठा में, मराठा आपने देखा है शिवाजी का और उन सबका जो हमने सुना हुआ है वहाँ नवजागरण आ चुका था, लेकिन हिंदी पट्टी जो थी वहाँ पर अभी नवजागरण नहीं आया था, उनके मुकाबले हम पिछड़े हुए थे, ये बात उन्होंने दर्शाई है पांचवें अंक में। छठे अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद है, भारत भाग्य नाम से एक पात्र है जो भारत का भाग्य आता है एक तरीके से, उसी का संवाद है और कार्य व्यापार चित्रित है, वो क्या क्या करने वाला है, क्या क्या उसे करना है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद है, गीत है इसमें बेटा, बीच बीच में भारत के गौरवमय अतीत और दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है, कितना हमारा गौरवमय अतीत था और आज हमारा वर्तमान कैसा हो गया है, दोनों को समेटता है। उसके बाद भारत भाग्य का आत्मधिक्कार, वो खुद को धिक्कारता है, धिक्कार है मुझ पर, इस तरीके से वो धिक्कारता है, वो बहुत ही कारुण्य है, बहुत ही इस तरह से मार्मिक बन चुका है, और आखिर में वो अपने छाती में जो चाकू बोकर आत्महत्या करते हैं कि भारत का भाग्य मर गया यहाँ पर, ये सिंबल दिखाया गया, सिंबॉलिक दिखाया गया है बेटा। इसमें भाषा शैली क्या रही है, भारत दुर्दशा के पात्रों के अनुरूप भाषा है, रंगमंच के अनुकूल हिंदी है, रंगमंच पर इसको मतलब ये सोचा गया है कि इसका नाटक खेला जाएगा उसी तरह की हिंदी है जो कि आम भाषा होती है बेटा, रंगमंच के अनुकूल वो हिंदी होती है, वो भाषा होती है बेटा जिससे वहां के देखने वाले लोग आराम से समझ सके, आसान भाषा होती है। तो भारत दुर्दशा की भाषा सीधे जनता से जुड़ी भाषा है, इसलिए ये दर्शक का पर्याप्त मनोरंजन करती है, दर्शक को आराम से समझ में आती है, इसलिए उनका खूब मनोरंजन होता है। निर्लज्जता कहती है भारत से, मेरे आछत तुमको अपने प्राणों की फिक्र, छिह छिह यानी कि तुम अपने प्राणों की चिंता कर रहे हो, जियोगे तो भीख मांगकर खाओगे, जियोगे तो भीख मांगकर खा भी लोगे, प्राण देना तो कायरों का काम है, प्राण तो कायर लोग देते हैं, अपने प्राणों की फिक्र करो, जान बचाओ, क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है,
एक जिंदगी बची रह गई तो हजार नियामत है, क्यों तुम बिना मतलब अपने प्राण देने पर तुले हो। ये बात मतलब इस तरीके से कही जाती है कि सुनने वालों में हंसी आ जाती है सुनने वालों को, लेकिन है ये व्यंग्य एक तरीके से, है ना बेटा। तो ऐसी भाषा हास्य और व्यंग्य के फुहारे छोड़ते हुए लोग मानस को बदलती है, लोगों के मन में एक तरीके से आता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। और भाषा में बनारसी बोली का एक तरह से पुट मिलता है इसमें, मुहावरे लोकोक्तियों से सजी हुई उनकी भाषा है और दर्शक और पाठक बड़ी इसके साथ में कनेक्ट फील कर लेते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण लिया है मैंने, जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट किम कर्तव्यम, यानी कि जो पढ़ेगा वो भी मर जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मर जाएगा, तो फिर क्यों इतना कर्तव्य करें, क्यों हम इतनी कष्ट झेलें। भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिन लगी में गप सबसे अच्छी। कहते हैं जातों में ब्राह्मण सबसे अच्छा है, धर्म में वैरागी सबसे अच्छा होता है, रोजगार में सूद लेना यानी कि ब्याज कमाना सबसे अच्छा रोजगार है, और दिल लगी में गप, किसी से दिल नहीं लगाना चाहिए, गप करो मतलब फालतू में फ्लर्ट करो, वही सबसे अच्छा होता है। ये व्यंग्य है बेटा, है ना। घर बैठे जन्म बिताना, ना कहीं जाना ना कहीं आना, सब खाना हगना मूतना, सोना बात बनाना, ताना मारना और मस्त रहना, ये व्यंग्य है बेटा, है ना। तो भारत दुर्दशा में नाटकीय संघर्ष की जो कमी है उसकी पूर्ति भारतेंदु अपने आम फहम भाषा से ही करते हैं। आम फहम यानी कि जो आम लोगों को समझ में आती है। नाटकीय संघर्ष जो है, एक तरह से नाटक चल रहा है, उसमें जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उनको वो अपनी भाषा से ही जता रहे हैं। अभिनेता भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और रंग दृष्टि दोनों ही लचीली हैं, व्यावहारिक है, यानी कि उनके हिसाब से जो नाटक के लिए बनाया गया उसमें उन्होंने देखा है कि नाटक के लिए आप दृश्य को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, रंग दृष्टि साज सज्जा को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट चीजें नहीं रखी हैं, सख्त चीजें नहीं रखी हैं कि ये होना ही चाहिए। वो भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के किसी एक नाट्य रूप के शास्त्रीय विधान के अंधानुकरण से हमेशा बचते रहे। पाश्चात्य का तो उन्होंने कभी अनुकरण किया ही नहीं, लेकिन भारतीय नाट्य शास्त्र का भी उन्होंने अनुकरण नहीं किया है, इस चीज से अंधानुकरण से हमेशा बचे। उन्होंने अपनी शैली स्थापित की थी, उन्होंने अपने समय की सभी प्रदर्शन शैलियों, बंगला रंगमंच, इंदर सभा, पारसी रंगमंच और लोक रंग शैलियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी नाट्य वस्तु में उनको इस्तेमाल किया है। इसलिए उनके नाटक विभिन्न नाट्य रूपों और रंग तकनीकों को आत्मसातीकरण के लिए नवीन स्वरूप लेकर के आते हैं, यानी कि उन्होंने सभी को थोड़ा थोड़ा सा इसमें शामिल किया है शैलियों को, इसलिए किसी भी रंगमंच पर इनके नाटक को खेला जा सकता है ये, और जहां भी खेला जाएगा एक अलग तरीके से इसका एक अलग ही रूप निकल करके आएगा। अब इस नाटक के संवाद कैसे है, संवाद बेटा मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी नाटक के, किसी भी कहानी के, किसी उपन्यास के प्राण होते हैं। तो भारत दुर्दशा की जो संवाद संरचना है हास्य सर्जक है, यानी कि इसको सुन करके हास्य परक है, हंसी आती है और गति प्रेरक है, गति देते हैं संदेश जो है, संवाद जो है इसकी कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। साथ में विविधता लाने के लिए भारतेंदु ने गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों तरह के संवादों की सृजना की है। इसमें गीत भी है और गद्य में निबंध में भी लोग बोल रहे हैं, चरित्र जो है वो वैसे भी बोलते हैं और गीत का करके भी अपनी बात को बोलते हैं। गीतों से क्या होता है बेटा कि स्पीड आ जाती है थोड़ी सी कहानी में, कहानी थोड़ा जल्दी बढ़ती है। पद्यात्मक जो संवाद है उनमें साथ में नृत्य, संगीत और अभिनय को भी साथ में किया जा सकता है, इसकी उन्होंने पूरी की पूरी गुंजाइश छोड़ी है। संवादों के बीच में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पद्यात्मक संवाद है उनमें कोई व्यक्ति संगीत भी बजा सकता है, साथ साथ संगीत बजाया जा सकता है, डांस कर सकता है या फिर एक्टिंग भी कर सकता है, पूरी की पूरी उन्होंने उसमें गुंजाइश छोड़ी हुई है। और नाट्य निर्देशक, नृत्य निर्देशक आपस में अगर तालमेल बिठा ले तो लंबे संवादों को मुग्धाकारी प्रस्तुति में बदल सकते हैं। मुग्धाकारी बेटा प्रस्तुति होती है, मतलब कि एक तरीके से जैसे नौटंकी होता है उस तरीके से एक प्रस्तुति में बदल सकते हैं उसको चाहें तो। वो लोग लंबे संवाद अभिनेता के सामने चुनौतीपूर्ण अभिनय की समस्या उपस्थित करते हैं। लंबे लंबे संवाद जो होते हैं उन्हें बोलना अभिनेता के लिए बड़ी ही चुनौती होती है, क्योंकि पहली बात उन्हें याद करना, उनको हाव भाव के साथ बोलना और इतनी देर में कहीं आपके दर्शक आपके पाठक बोर ना हो जाए, इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए बोलना, उसमें इतना आप प्रभावशाली ढंग से बोले कि आपके पाठक या दर्शक बोर ना हो, तो बहुत ही बड़ी समस्या होती है। तो भारत दुर्दशा के लंबे संवाद है ये अप्रौढ़ अभिनेता के लिहाज से एक दोष है। कोई भी कुशल अभिनेता इन पर अभिनेता कर सकता है, कोई भी जो नया अभिनेता होगा वो इनके संवादों पर अभिनय नहीं कर पाएगा। और दक्ष अभिनेता के लिहाज से संभावनाशीलता नाट्य की चुनौती है, लेकिन दक्ष अभिनेता जो है उनके लिए भी संभावनाशील नाट्य की चुनौती, मतलब एक चुनौती है। लंबे लंबे जितने संवाद है वो संवाद छोटे नहीं है, इसकी एक कमी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए बेटा, है ना। इसके संवाद विनोदशीलता और कौतूहल के जादू से बांधे, विनोदशीलता है इनमें मतलब हास्य विनोद है, व्यंग्य का पहनाव करना सीधे दिल में उतरते हैं। एक आलसी दूसरे आलसी से कहता है, दूसरा बोला ठीक है साहब
ये बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चटा किया और ये पास ही पड़ा था, पर इसने ना हाँका। मतलब कि मैं सो रहा था, कुत्ता सारी रात मेरा मुंह चाट रहा था, लेकिन इसने नहीं हटाया, ये बहुत बड़ा आलसी है। आलस्य का ये आलम जान लेने के बाद क्या ये जानने की जरूरत रह जाती है कि आलसियों के देश की गरीबी का क्या कारण है? फिर वो खुद ही कह देते हैं कि आलस की ये हालत जानने के बाद भी क्या ये जानने की जरूरत रह जाती है कि देश की गरीबी का क्या कारण है? तो आलसियों का आलस्य प्रेम ही जो है देश प्रेम से बढ़कर है। यहाँ पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि जो आलसी लोग हैं उनके लिए अपना आलस देश प्रेम से भी बढ़कर के हो गया है। आगे पात्र और चरित्र चित्रण। मुख्य पात्र तो इसमें भारत, भारत दुर्देव और भारत भाग्य ही है ना। भारत दुर्देव पूरे में सबको बुला बुला करके उनसे पूछता है। भारत भाग्य अंत में जो है इसमें आत्महत्या करता है। भारत शुरुआत में आता है। ये तीन जो है मुख्य पात्र। गौड़ पात्र इसमें योगी, आलस्य। आलस्य को बेटा एक तरह से पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है इन सबका। आलस्य, मदिरा, सत्यानाश, फलदार रोग, अंधकार, निर्लज्जा, आशा, इन सबको मानव के रूप में लाया गया है, इंसान के रूप में आते हैं ये सारे के सारे नाटक में। और मुख्य पंक्ति वही है शुरू वाली जो मैंने आपको बताई थी, पहली पंक्तियां ही ये मुख्य पंक्तियां। और भारत दुर्दशा की मूल संवेदना क्या है बेटा? भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने युग की, उस युग की राजनीतिक गतिविधियों, सामाजिक परिस्थितियों और भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सभ्यता के गुणों को छोड़ करके दुष्ट प्रवृत्तियों को अपनाया है ना। जो उनकी अच्छी क्वालिटीज थी, जो अच्छे गुण थे उनको तो नहीं देखा, लेकिन जो उनके अवगुण थे, शराब पीना और जो है क्या कि ऐसे जो उनके ऐब थे उन सबको तो अपनाया, लेकिन जो उनके गुण थे उनको नहीं अपनाया। सामाजिक अंधविश्वास, अज्ञान, इन सब में फंसे रहने की वजह से उनके सामने जो समस्याएं आ रही थी उनका चित्रण किया है उन्होंने। और भारत उस समय ग्रसित था गुलामी से, गरीबी से, अकाल से, बाढ़ से, रोगों से, अशिक्षा से। तो इन सबको उन्होंने भारत जो नाटक का जो नायक है वो भारत को बनाया कि भारत जो है इन सब समस्याओं से परेशान है। तो उन्होंने भारत के माध्यम से उन सभी समस्याओं को प्रतीक रूप में चित्रित किया है जिनके कारण भारत की दुर्दशा हुई, उन सबको उन्होंने प्रतीक माध्यम में लिया है। और इस नाटक में उन्होंने अपने युग का प्रत्यक्ष यथार्थ जीवंत प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। भारतेंदु अपने युग के सच्चे राष्ट्रवादी साहित्यकार थे। राष्ट्रवादी साहित्यकार थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका पूरा पूरा झुकाव हिंदू राष्ट्रवादी जाति होता है। वो हिंदू राष्ट्रवादिता की तरफ झुके हुए थे क्योंकि समय उस टाइम पर ऐसा था कि जो मुगलों की गुलामी थी उससे भी लोग एक तरीके से त्रस्त थे, पर वो राजभक्त थे, देशभक्त थे, दोनों ही थे। राजभक्त के से बड़े देशभक्त थे, क्योंकि राजभक्त होते तो ब्रिटिश साम्राज्य में जो उन्हें बुरा लगा उसका भी उन्होंने विरोध किया। राजभक्त होते हुए भी उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में जो चीजें गलत हो रही थी उनका वो विरोध करते थे। डॉक्टर कृष्ण देव शर्मा ने कहा है कि उनकी राजभक्ति और देशभक्ति की सीमाएं, मतलब वो राजभक्ति को देशभक्ति के ऊपर हावी नहीं होने देते। कर्तव्य और संस्कारवश वो राजभक्ति प्रकट करते हैं। परिस्थिति के अनुसार 1857 की क्रांति और 1858 के घोषणा पत्र के प्रकाशन के बाद से वैध रूप से अपने आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए राजकीय सहयोग मांगते हैं। उसके बाद से वो अपना प्रकाशन में जो प्रकाशन करते थे, पब्लिशिंग का काम किया करते थे, उसमें वो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राजकीय सहयोग मांगते हैं, सरकार से जो है मदद मांगते हैं, अंग्रेजों के ज्ञान विज्ञान की सराहना करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कहीं पर आर्थिक शोषण किया है, कहीं पर कुछ उन्होंने साधन है जिनसे उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उसका वो खुलकर व्यंग्य भी करते हैं, मतलब कि प्रशंसा करते हैं अच्छी चीजों की, गलत चीजों की निंदा करते हैं, व्यंग्य करते हैं। प्रेस एक्ट लागू हो चुका था बेटे 1857 की, जो कि आपका जो विद्रोह था उसके बाद से प्रेस एक्ट लागू हो चुका था। तो भारतेंदु जो थे निरंकुशता के विरुद्ध थे, निरंकुश कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी वो वहां पर निरंकुशता जो हो गई थी अंग्रेजों की उसके खिलाफ खड़े होकर सवाल जवाब करने की हिम्मत दिखाते हैं। वो साथ में कहते हैं कि देश केवल भारतीयों का है, विदेशी लोगों का सहयोग हमें अपनी भलाई के लिए भी नहीं लेना है। उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ कीजिए, लेकिन उनसे सहयोग मत लीजिए। विरोध करना है, क्रांति करना है, यही हमारा मार्ग होना चाहिए। साथ में वो धर्म के ऊपर परिभाषा अपनी बताते हैं कि धर्म वो है जो समय के अनुसार नवीनता ग्रहण करता हुआ समाज की रक्षा करे, यानी कि समय के साथ साथ जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से बदलता रहे अपने आप को, नवीनता ग्रहण करे, अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित करे, खराब चीजें जो हो लग रही है समय के साथ उनको निकालता चले, समाज की रक्षा करे। और विदेश, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में जो यंत्र बन सकते हैं, जो उर्वरक बन सकते हैं, उनको मानिए, उनको बनाइए। ये चीज मान्य थी उनको कि भाई जो भी चीजें हमारी समाज के विकास के लिए, रक्षा के लिए बन सकती हैं उनको आप मानिए, समुद्र पार नहीं जाना है, ऐसे अंधविश्वास को छोड़िए ना। विदेशी शिक्षा भी अगर लेनी है तो लीजिए, लेकिन उसमें से अच्छे गुण जो आपके सहयोग के हैं, आपके
हित के हैं उनको लीजिए, अहित की चीजें छोड़ दीजिए। भारत दुर्दशा में उनकी राशि भावना इसी श्रेणी की है। भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा के रूप में उमड़ के आया है, करुणा उनकी निकल के आई है। आशा के किरण के रूप में सातवें आकर में आते भी हैं कि कैसे भारत को उसका गौरव दोबारा से मिलेगा। और भारतेंदु जो है वो एक युग प्रवर्तक माने जाते हैं, चाहे वो उनकी राष्ट्रवादिता हिंदू राष्ट्रवादिता ही हो, लेकिन फिर भी उन्हें एक राष्ट्रवादी माना जाता है। कुछ उदार प्रकृति के अंग्रेज जो थे भारतीयों को स्नेह भी दे रहे थे उस टाइम पर, लेकिन उनमें कुछ निश्चितता का भाव नहीं था। साथ में ही भारतीयों में संगठन की भी कमी थी, अशिक्षा थी, अज्ञान था, जिसके कारण लोग कुंठित हो रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने इन सभी को निश्चल भाव से अभिव्यक्त किया है कि जो लोग स्नेह दे रहे हैं लेकिन उनका कुछ पक्का नहीं, आज स्नेह दे रहे हैं कल को हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अपनों का ही साथ देंगे, इसलिए उनका विश्वास मत कीजिए, अपनी शिक्षा को बढ़ाइए, अपने अज्ञान को खत्म कीजिए, इस बात को हमेशा वो कहा करते थे। साथ ही वो अंग्रेजों की जो नई नई सभ्यता यहाँ पर आई थी, जो वैज्ञानिक दृष्टि आई थी, उसकी उपलब्धियों का वो समर्थन करते थे, प्रशंसा करते थे कि देखिए उन लोगों ने ये चीजें की, लेकिन साथ ही वो ये भी बताते कि हमारे गौरवमय इतिहास में हम लोग ऑलरेडी क्या क्या चीजें कर चुके हैं, उनको भी तो याद कीजिए, है ना। और भारतीयों से वो उन नीतियों को अपनाने का भी आग्रह करते हैं जिनसे उनका हित हो सकता है, लेकिन साथ ही अंग्रेज सत्ताधारियों की जो निरंकुशता थी उसका विरोध करते थे और अंग्रेजों की उसके लिए आलोचना करते थे, और भारतीयों पर जिसके कारण अत्याचार करते थे उसकी वो निंदा करते थे। साथ में देशकाल वातावरण, अंग्रेजों ने अपना शासन मजबूत करने के लिए देश में शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, डाक सेवा, रेल सेवा, प्रिंटिंग, इन सब का सृजन किया, लेकिन वो इस तरीके से ही किया बेटे कि जिससे उनको शासन करना आसान हो। वो इसलिए नहीं किया कि यहाँ के लोगों का भला हो, जिन चीजों की उनको खुद जरूरत महसूस हो रही थी शासन करने के लिए वो सब चीजें उन्होंने यहाँ पर बनाई। देश की अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग जिन्हें कहा जाता है बेटा, जो थे उन सबको उन्होंने अपने टाइम पर बर्बाद कर दिया और अपने कारखानों में बने हुए माल को जबरदस्ती हम पर ला करके थोपने लगे थे। जैसे कपास की खेती बेटे हमारे यहाँ होती थी, है ना, यहाँ से वो क्या करते थे, कॉटन बनवा करके जो है क्या कि कपास की खेती हुई उसको लेकर के गए, कॉटन बन गया, कपड़े बन सिलवा करके वहां से अपने यहाँ से लेकर के आए, वो हमें महंगे दामों पर बेचे, ये काम किया करते थे। कमाई के जरिए छीन लेने से देश में भुखमरी फैलने लगी, लोगों की जितनी भी आमदनी थी वो विदेशी माल को खरीदने के चक्कर में सब खत्म हो जाता था, कहीं बाढ़ आ रही थी, कहीं अकाल आ रहा था, कहीं महामारी फैल रही थी, तो लोग परेशान थे, लेकिन अंग्रेजों को उससे कोई परेशानी नहीं थी, उन्हें केवल अपना कमाना दिखाई पड़ रहा था, बाकी वो लोगों की परेशानी को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे थे। यहाँ के लोग मर रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन लोग भी यहाँ के ऐसे हो चुके थे, अब तक बड़ी शांति से मर रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई हमारा ख्याल नहीं रख रहा है, लोग अपनी जगह पर बिल्कुल निष्क्रिय हो गए थे। उन्होंने मान लिया था कि यही हमारा भाग्य है, अब यही हमारी किस्मत है, ऐसे ही हमें जीना है, ऐसे ही मरना है। रोटी मिल जाती थी उसको भी वो अपना भाग्य मान लिया करते, अरे बाहर तो हमें पेट भर के रोटी मिल गई, इसमें ही खुश हो जाया करते थे, संतोष आ चुका था लोगों में एक तरीके से, वो लोग अपने आप में संतुष्ट हो चुके थे, यानी कि आगे प्रयास करना नहीं चाहते थे, तो ये परिस्थिति हो चुकी थी। ऐसे समय में भारतेंदु का जो नाटक था भारत दुर्दशा, ये प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने भारत की दुर्दशा के बारे में बताया, इतिहास के बारे में बताया, कितना गौरवमय इतिहास था और आज हम क्या हो गए हैं, लेकिन हम अगर अभी भी प्रयास करें, अपने आप को जगाओ, इनके खिलाफ जाओ, तो हम अपना जो है गौरव वापस पा सकते हैं, इस बात की उन्होंने चर्चा रखी। साथ में भारत दुर्दशा के मूल संवेदना क्या थी, उस टाइम पर भारतेंदु के मन में भारत की जो परिस्थिति थी उसके कारण बहुत ज्यादा दुख था। साथ में जो हिंदू थे वो धीरे धीरे पतन के गर्त में गिरते जा रहे थे, इसलिए वो कहते हैं हिंदुओं तुम कहाँ थे और कहाँ आ पड़े हो, है ना, तुम कहाँ हुआ करते थे और कहाँ आ गए हो। इसी टाइम पर भरत वाक्य कहता है, हा देव तेरा विचित्र चरित्र, भारत भाग्य क्या कहता है, तेरा विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था आज जूते में टांका उधार लगवाता है, यानी कि परिस्थिति ये आ चुकी है, जो कल के राजा थे आज अपने जूते में भी जूता टूट गया है उसमें टांका लगवा रहे हैं और वो भी उधार लगवा रहे हैं। पवित्र चरित्र के लोग हो गए हैं उसकी ये दशा, मतलब पवित्र चरित्र के लोग होते थे भारत के लोग थे जो, वो पवित्र चरित्र के माने जाते थे, उनकी आज ये दशा हो गई है, ये दुर्दशा हो गई है। साथ में ही जो है उस समय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की प्रतिकृति उन्होंने अपने नाटक में पूरी तरह से रखी है। क्या सामाजिक परिस्थितियां थी, क्या धार्मिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी और सांस्कृतिक जीवन किस तरह का हो चुका था, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूरी तरह से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत की है। डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय जो है भारत दुर्दशा में अभिव्यक्त भारतेंदु की राष्ट्रीयता भावना की प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी नागर वार्ष्णेय ने भारत दुर्दशा की राष्ट्रीय भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत दुर्दशा की कथा
देश वत्सलता और देश हितैषिता का आदर्श उदाहरण है। नवोत्थान काल में उत्पन्न होने के कारण भारत हिंदू देश के अतीत गौरव की भावना से अनुप्राणित थे। नवोत्थान काल में मतलब जन्मे थे, इसलिए उन्हें पुराना जो गौरव था उससे वो प्रेरित थे और साथ ही अपने चारों ओर जो अपना महान देश था उसकी अधोगति को वो देख रहे थे। किस तरीके से हमारा देश जो है वो अधोगति की तरफ जा रहा है, कैसे इसका पतन हो रहा है वो भी देख रहे थे। साथ ही वो आशावान भी थे कि भविष्य में मेरा देश कैसे उन्नति कर सकता है। तो निष्कर्ष यही है कि भारतेंदु का जो नाटक है भारत दुर्दशा, एक दुखांत नाटक है जिसे 1875 में उन्होंने लिखा था। इसमें प्रतीकों के माध्यम से भारत की उस समय की स्थिति के बारे में बताया गया है। भारतेंदु ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण माना करते थे। तो ये था बेटा इसकी तात्विक समीक्षा और मूल संवेदना। पूरे नाटक का जो भावार्थ है, व्याख्या है, वो बेटा मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगी, वरना ये एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा बेटे। इतने आप इसको देखिए, व्याख्या वाला भाग जो आपका होगा, जो व्याख्या आती है आपके पेपर में, वो दूसरे वीडियो से हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरे के पूरे ही नाटक का आपको जो है व्याख्या कर दूंगी। तो फिर चाहे कहीं से भी आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। और वैसे भी ये नाटक जो है ये आप अगर पूरा पढ़ लेते तो बहुत सी चीजें आपको और चीजों में कोट करने के लिए भी समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो को देखिए, अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही बनाऊंगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे आप कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं सर कंटेंट के, वो भी मैं आपके जो आपका जो कोर्स है उसके बना रही हूँ। तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।